हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आजकल गांव आई हुई हूँ शादी में, तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे, यहाँ सारे लोग पूछ रहे थे कि अपने बड़े बेटे को आप कहाँ हैं, क्यों नहीं लाए। एक्चुअली मैं अपने बड़े बेटे को वहीं रख के आई हूँ, अर्नव को, छोटा बेटा यहाँ लेके आई हूँ। सब पूछ रहे थे कि क्यों नहीं लेके आए, तो क्या मुझे दिक्कत थी, क्या मजबूरी थी मेरी कि मैं उतने छोटे बच्चे को, आज पहली बार मैंने उसको अकेला छोड़ा है, क्योंकि मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ और मुझे भी बहुत गंदा लग रहा। शादी में भी मन नहीं लग रहा कि हाँ वो भी देखता है ये सो, तो मजबूरी थी मेरी भी, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसको पहाड़ का जो ट्रेवल होता है यहाँ गाड़ी में आने में, उसको गाड़ी में उल्टी होती है बहुत ज़्यादा, दवाई लेने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, वो दिक्कत है। और मैं अकेली थी, दो बच्चों को तो नहीं ला सकती, मेरे को हिम्मत ही नहीं रही। छोटा बेटा तो 1 साल का है, उसको मैं गोद में पकड़ना ही हुआ, वो सीट में बैठ नहीं सकता। और उस और बड़े बेटे को इतनी उल्टी होती है कि वो उसको गोद में सोना होता है और गोद में बैठना होता है। तो मुझे पहली बात तो ये है, यही दिक्कत हुई मुझे कि मैं दोनों को अकेले नहीं ला पाई। और फिर घर में आने के बाद भी यहाँ गांव में वो ये छोटा है, इसको तो मैं गोद में ले लूँगी, और वो 6 साल का है मेरा बड़ा बेटा, वो इधर उधर जाता है, और यहाँ हर जगह गिरने का डर है, जो उसको अभी पता नहीं है कि मैं इधर जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, ये बिच्छू घास है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं पता। तो ये भी मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं दो बच्चों को यहाँ नहीं संभाल पाती शादी में, एक को ही संभालना बहुत, क्योंकि अथर्व तो किसी के पास रह नहीं रहा, इधर मेरे को बाथरूम भी नहीं जाने दे रहा कहाँ, और मैं दो बच्चों के साथ, तो मैंने सोच के ही, मैं हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं उसको वहाँ लेके आई। और थर्ड बात है, उसका स्कूल था और 12th ग्रेड से उसके यूनिट टेस्ट थे, इसीलिए भी नहीं लेके आई, क्योंकि अब बात है, अब मैं उसको अकेले किसके साथ छोड़ के आई हूँ। एक्चुअली उसकी मौसी के पास मैं उसको छोड़ के आई हूँ, उसका भी उसी के बराबर एक बेटा है, तो दोनों साथ में बचपन से रहे हैं, तो दोनों रह लेते हैं। आज पहली बार वो अकेले रहा, वो भी गांव गई है मम्मा करके, इमोशनल हो जाता है जितनी बार फ़ोन करूँ, तो क्या करूँ, यहाँ भी आना मेरी मजबूरी थी, फैमिली से किस में शादी थी और ज़रूर आना ही पड़ता है। चलो कोई नहीं, अब शादी हो गई है ये, तो मैं 1-2 दिन में चली जाऊँगी, तो यही बात बतानी थी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक यू।